हम तो घोषित किए थे ना जी, अरे नदीम भैया 10 लाख हम बहाल करेंगे। आधा बोली आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से जल्दी। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। नमस्कार, IBTV देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, जिस तरीके से INDIA अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, साथ में ये कहा जा रहा था जिस तरीके से PM यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में खड़गे का नाम सामने आया है और ममता बनर्जी ने भी ये नाम पे अपनी स्वीकृति दी है, तो उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि INDIA अलायंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं किसी से लालच की उम्मीद भी नहीं करता और मुझे किसी तरीके की लालच की आशा भी नहीं है, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना मुझे किसी और तरीके की लालच है, ना महागठबंधन में कुछ गड़बड़ी है, ना INDIA अलायंस में कुछ गड़बड़ी है। इसके साथ ही जब सीट शेयरिंग के मसले पे बात हुई, क्योंकि चौथी बैठक थी और ये काफ़ी अहम बैठक थी, क्योंकि इसमें लगातार जिस तरीके का माहौल बन रहा था, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, उसके बाद कहीं ना कहीं INDIA अलायंस कमज़ोर नज़र आ रही थी। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग के मसले पे अगली बैठक पे पूरी बात साफ हो जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। माइक नीचे कीजिए ना आप लोग सर। हम लोग का रिश्ता, हम लोग का संबंध हमारा, अरे PTI नीचे रखिए, ज्यादा रहा है जब हम MP रहे तब से। जब उनकी सरकार बनी 2 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मांगते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति उनको कहिए कि प्रेम था हमको बहुत। अरे ना अभी भैया थोड़ा पीछे कीजिए ना आप, और उनके नदीम भैया मेरा बिल्कुल, अरे आप ही का हम बार है, चुप चुप चुप, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक और इतना ज्यादा उनका था। और जान लीजिए कि जब जितना दिन भी रहे प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, हम तो उनके प्रति आदर का भाव है इससे तुम्हारे। क्या उनके विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? और क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, उनका तो इतना अच्छा काम था, कितना बढ़िया काम किया, बोलिए। और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे कभी भी नहीं होती थी, तुरंत तुरंत उसको स्वीकार करते थे। और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं, सब तो बात है आप लोगों को मालूम है, तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव, तो हमारा तो उनके प्रति जो है इनके प्रति बहुत आ रहा है। क्या कर रहे हो कुणाल, कैमरे पर पैसा छोड़ दो ना, बाकी जो करना है सुशील मोदी कह रहे हैं पार्टी में टूट हो गई, पार्टी में टूट की चौकसी कर रहे हैं। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है, हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है,
हम तो घोषित किए थे ना जी, अरे नदीम भैया 10 लाख हम बहाल करेंगे। अब बोलिए, आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी। अगर जरा भी बालिएगा, जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा। ए, बंद करो इसे, छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे। जब देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा। जान लो, हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है, हम सब लोगों का राय है। कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था, मानता था, बोलिए, पार्लियामेंट में थे, जरा देखिए पुरनका सब। जब हाउस में हम बोलते थे कितना ज्यादा बोलता था, यहाँ विधानसभा में भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा शुरू से लेके अब बात तक। लेकिन अभी लापनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम अपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब आपसे, आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोल रहे। हमारा बात सुन लीजिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिए। तो सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे अटकलों के जो बाजार गर्म थे उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है और सीधे सीधे कह दिया है, ना INDIA अलायंस में गड़बड़ी है, ना महागठबंधन कि सरकार में गड़बड़ी है। हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और काम हो भी रहा है। हमारा एक ही मकसद है कि जनता की सेवा करें। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद।